लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले सुपरमार्केट शेयर के बारे में। शेयर का नाम है डी मार्ट। आप देख सकते हो डी मार्ट में आपको ग्रोसरी मिलती है, डेली इसेंशियल प्रोडक्ट डी मार्ट, ये डी ब्रांड्स है जिनके ब्रांड के अंडर जो ब्रांड्स आते हैं वो प्रोडक्ट्स, डेयरी एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स, होम एंड पर्सनल केयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी, फुटवेयर, लगेज बैग्स, टॉयज, गेम्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, किड्स अपेरियल, वुमेंस अपेरियल, मेन्स अपेरियल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सभी प्रकार की प्रोडक्ट्स में काम करते हैं दोस्तों। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। आप देख सकते हो उन्होंने भी लिखा है, डी मार्ट इज अ वन स्टॉप सुपर मार्केट चेन दैट एम टू ऑफर कस्टमर वाइड रेंज ऑफ बेसिक होम प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिक होम प्रोडक्ट्स सभी प्रकार आपको जो भी लगेगा, सुई धागे से लेके आपको बड़ा फ्रिज वगैरह तक, फ्रिज वगैरह नहीं मिलते, होम अप्लायंसेज, छोटे छोटे मिक्सर वगैरह आपको मिल जाएगा उधर। और आप देख सकते हो ईच डी मार्ट स्टोर स्टॉक होम यूटिलिटी प्रोडक्ट। आप देख सकते हो इनके पास यू इंक्लूडिंग फूड, टॉयलेटरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट, गारमेंट, किचन वेयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लायंसेज, सब कुछ मिलता है दोस्तों इनके पास। और आप देख सकते हो ये 284 सिटी लोकेशन पे अवेलेबल है दोस्तों। अभी इन्होंने बहुत सारे स्टेट कवर कर लिए है दोस्तों। आप देख सकते हो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, NCR, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, ये हर स्टेट में घुस रहे दोस्तों अभी। और ये अपने खुद के स्टोर बनाते हैं दोस्तों, ये खुद की लैंड खरीदते हैं और बाद में स्टोर बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि रेंटल पे चलाते हैं, ऐसे ऐसे रेंटल पे नहीं चलाते, बहुत कम चलाते, चलाते भी होंगे तो बहुत कम स्टोर चलाते रेंटल पे। और देख सकते हो डी मार्ट के अंडर उनके डी ब्रांड्स है दोस्तों, डी मार्ट मिनी मैक्स, डी मार्ट प्रीमाया, डी मार्ट होम, डच हार्बर, ETC एंड अदर ब्रांड्स है दोस्तों इनके अंडर। डी मार्ट ने अपने रिजल्ट भी पेश किए दोस्तों, कल ही अपने रिजल्ट पेश किए डी मार्ट ने। और डी मार्ट ने अपने रिजल्ट में अभी देख सकते हो 18% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, और क्वार्टर फोर के रिजल्ट है दोस्तों, और सेल्स टू बी डाउन सिक्वेंशियली। तो इनका थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ है मगर इन्होंने 18% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है अपनी। और आप देख सकते हो Q4 सुपर मार्केट कंसोलिडेटेड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जंप कर चुका है दोस्तों, और 427 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है Q4 में अभी। अभी देख सकते हो ऐसे आप हेडलाइन देखोगे 5-6 न्यूज़ की तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट कैसे है। आपको पूरी वो बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ आप पढ़ सकते हो बैलेंस शीट भी, वो भी अच्छा तरीका है, मगर आप न्यूज़ में देखोगे 2-4 कंपनियों की अलग अलग न्यूज़ देखोगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज एक न्यूज़ आप डिटेल में पढ़ोगे, आप इनकी हेडलाइन में दिखा रहा हूँ, आप हेडलाइन के अंदर जाके पढ़ोगे तो वो पूरा दिखाते हैं आपको, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली बेसिस दोनों का कंपेरिजन रहता है, उसमें इनका रेवेन्यू कितना बढ़ा क्या नहीं वो सब दिखाते हैं दोस्तों ये भी। तो Q4 में ये रिजल्ट में इन्होंने अभी प्रॉफिट 3% और ईयर ऑन ईयर जंप किया है, 427 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों इन्होंने, 3% प्रॉफिट राइज किया है और 18% तक इनका रेवेन्यू जंप कर चुका है, और थोड़ा सा इनके सेल में डिक्लाइन दिखाई दिया है। तो ऐसे इनके रिजल्ट है दोस्तों। अभी आप देखोगे कल मंडे के दिन आपको पता चलेगा मार्केट को इनके रिजल्ट अच्छे लगे या नहीं। जब शेयर गिरेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, और किस 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 कंपनी ने तो ऐसा होता है दोस्तों, रिजल्ट तो अच्छे दिखाती है कंपनी मगर फिर भी शेयर गिर जाता है। क्यों? तो प्रॉफिट बुकिंग होती है दोस्तों, उसे प्रॉफिट बुकिंग कहती है। उनके रिजल्ट तो अच्छे रहते हैं फिर भी शेयर गिरता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं लोग। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, 2,09,270 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और इसका फेस वैल्यू है 10, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास देखिए 74.99, 75% प्रमोटर है, FI इज 8.83%, DI इज 6.77%, और पब्लिक है 9.41%। देखिए दोस्तों स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर, FI, DI ने बड़ी क्वांटिटी उठा ली है, प्रमोटर के पास ही बहुत है दोस्तों। और पब्लिक देखिए 9.41%, 9.5% तक पब्लिक है दोस्तों। में देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो फाइनेंशियल इनके। 2022 में कंपनी ने 30,976 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों, 31 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों एक साल में, और नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों 1,492 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दोस्तों, और इस क्वार्टर का भी इसमें ऐड होगा। और कंपनी के पास रिजर्व देखिए दोस्तों, तगड़े रिजर्व अवेलेबल है कंपनी के पास, और 20 से आप देख सकते हो कंटिन्यूअस अपने ईयर ऑन ईयर रिजर्व बढ़ाती जा रही है कंपनी। और अभी 2022 में इनके पास 13,000 करोड़ के रिजर्व्स है दोस्तों, इस रिजर्व्स का ये एक्सपांशन में यूज कर सकते हैं, कंपनी डिविडेंड दे सकती है, बायबैक दे सकती है, बोनस शेयर दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसे बोनस में तो नहीं लगेगा रिजर्व्स मगर डिविडेंड बायबैक में तो लग सकते हैं। और इनकी पीयर्स कंपनियां देखो दोस्तों, ट्रेंट, आदित्य बिरला, वेदांत फैशन, वी मार्ट, ये सभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक करोगे तो भी डी मार्ट जितना नहीं होगा दोस्तों। डी मार्ट मार्केट में काम करती है एवेन्यू सुपर मार्केट से, ये एवेन्यू सुपर मार्केट इनका नाम है इसमें।
और अभी इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला है दोस्तों रिलायंस रिटेल। अभी उन्होंने अपनी कंपनी अलग से डीमर्ज करके लिस्ट नहीं की है, डीमर्ज करके लिस्ट करेंगे तो डीमार्ट से भी बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा रिलायंस रिटेल का। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अभी रिलायंस रिटेल है दोस्तों डीमार्ट का, और डीमार्ट बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट अब लोगों को प्रोवाइड करती है, रिलायंस रिटेल भी करती है मगर उतना नहीं है उनका, और ये डिस्काउंटेड पे चलता है डीमार्ट का बहुत सारा बिजनेस, तो डिस्काउंट देते हैं, इस वजह से मिडिल क्लास लोग डीमार्ट में ही शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी हम आते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे, आप देख सकते हो अभी चल रहा है 3,230 रुपीज़, बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है दोस्तों, 40-50% तक करेक्शन हो चुका है इस शेयर में। आप देख सकते हो इसका 52 वीक लो है 2,830 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 5,900 रुपीज़, 6,000 को टच ही कर सकता था दोस्तों, ये 5,900 तक जा चुका है ये शेयर। और अभी देखिए पिछले 1 मंथ में ये शेयर 20% डाउन चल रहा है दोस्तों, ये 4,000 के ऊपर चल रहा था 1 मंथ पहले और वहाँ से ये गिरावट चालू हुई है। और 6 महीने पहले देखिए ये शेयर 30% गिरावट में दिखाई दे रहा है आपको, 6 महीने पहले भी जाओगे तो आप उससे बड़ी गिरावट दिख सकती थी, मगर ईयर टिल डेट में देखिए ईयर टिल डेट में है 31%, और 1 साल में देखोगे तो ये शेयर अभी भी 11% के प्रॉफिट में दिखा रहा है दोस्तों। अभी 1 साल पहले जिसने भी ये शेयर खरीदा अभी भी वो 11.78% रिटर्न मिल रहे हो उसको अभी, और 5 साल में देखिए 5 सालों में ये शेयर 348% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दे रहा है, और मैक्सिमम देखिए लॉन्ग टर्म ये शेयर 2017 में लिस्ट हुआ है 600 रुपीज़ पे, और वहाँ से ये देख सकते हो अब 6,000 तक जा चुका था और फिर इसमें गिरावट हो चुकी है, अच्छी खासी गिरावट है दोस्तों इसमें, और इस गिरावट के बाद भी ये आपको 5 साल ही हुए इस लिस्ट होके, 2017 से 22 तक 5 साल ही होते हैं दोस्तों, और देख सकते हो 5 सालों में इसने 425% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए दोस्तों और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।